तो देखिए है ना, खस्ता कचौड़ी चुटकियों में बनाने का काम, और मैंने गारंटी ली थी कि एक भी कचौड़ी फटेगी नहीं, तो आप देख सकते हैं मेरी एक भी कचौड़ी फटी नहीं है। तो आप भी हमारी ये रेसिपी फॉलो करें और छोटी छोटी ट्रिक्स जरूर अपनाएं, जिससे कि आपकी कचौड़ियां भी इतनी बढ़िया और खस्ता बन सके। आज हम उड़द की दाल की कचौड़ी बनाने वाले हैं। तो ये हमने उड़द की दाल रात कर भिगो कर रख दी थी, इसमें थोड़ी सी चने की दाल डाली है और भीग कर फिर से धोकर इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। और ये थोड़ी मोटी पीसेंगे, ना ही एकदम महीन नहीं पीसनी है दाल को, थोड़ी दरदरी सी पीसनी है। उसके बाद हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे, इसको फ्राई भी करते हैं। तो पहले पीस कर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ ये दाल पिस चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी उड़द की दाल पिस चुकी है, आप देख सकते हैं ये हमने थोड़ी मोटी पीसी है और ऐसी ही पिसती है। उड़द की दाल की कचौड़ी की खासियत है आप इसे एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, खराब जल्दी नहीं होती है। तो अब इसमें मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि जो मैदा लगाएंगे हम उसी में नमक डाल देते हैं, इसमें नमक कम जाता है। और अब इसी में हम धनिया डालेंगे, यानी कि सारे मसाले इसी में मिक्स करके तब इसे भुना जाएगा। और इसमें सौंफ डालेंगे थोड़ी। अब यहाँ हमने कढ़ाई रख ली है, अब इस कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्ची, और जिससे कि इसका मसाला का टेस्ट अच्छा आए। तो अगर आपको ज़्यादा खाना है तो आप थोड़ा तीखा कर सकते हैं, और कम खाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा तेल पक चुका है, सबसे पहले जीरा डालेंगे, अब ये सारे मसाले अच्छे से भून लेंगे। हमने आपको उड़द की दाल की कचौड़ियों का प्रोसेस इसलिए दिखाया क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कचौड़ियाँ फट जाती हैं। अक्सर उड़द की दाल की कचौड़ियाँ लोगों की फट जाती है, और या फिर उनको अच्छे तरह से बनाने नहीं आती है। तो इसलिए हमने ये आपको पूरा प्रोसेस दिखाया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कचौड़ी बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी भी बढ़िया बनेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो फटेगी नहीं। इतने अच्छे से भूनना है जिससे कि ये अलग अलग हो जाए, ये चिपकी ना रहे। और इसे अच्छे से भूनते रहना है, कम से कम 5 मिनट तक आपको भूनना है स्लो गैस पर। और दाल को अच्छे से चलाते हुए भूनना है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, ये जैसे चिपक जाती है ये दाल। तो इस तरह से छुटाते हुए और अच्छे से चलाते हुए भूने। अगर आपकी दाल चिपक जाएगी और ये फिर लगी लगी सी कचौड़ी हो जाएगी, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बनाते टाइम। तो ये हमारी दाल तो अच्छे से भुन चुकी है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग अलग भी हो चुकी है। और इस तरह से ये दाल भुनती है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर जो भी आप पूछेंगे तो उसकी राय हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो ये हम दाल निकाल लेते हैं, अब हम लगाएंगे कचौड़ियों का आटा। तो यहाँ हमने कचौड़ियां बनाने के लिए ले ली है मैदा। अगर आप आधी किलो मैदा ले रहे हैं तो 250 ग्राम आपको सूजी लेनी है, अगर आप 250 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो आपको 100 ग्राम सूजी डालनी है। तो यहाँ ये मैंने ले ली है कटोरियों के सबसे 4 कटोरी मैदा, और ये हमने इसमें डाली 2 कटोरी सूजी। अब इसके बाद इस आटे में मिलाए नमक। नमक आप समझ सकते हैं कि हमने मसाले में नहीं डाला है, तो आटे में थोड़ा ज्यादा लगेगा नमक। तो यहाँ हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे रिफाइंड, जिससे कि हमारी कचौड़ी खस्ता बने। तो ये रिफाइंड गया, अब इसमें जाएगा खाना सोडा हल्का सा। अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो आप देसी घी डाल सकते हैं, मैंने यह रिफाइंड यूज किया। अब चुटकी भर इसमें खाना सोडा जाएगा, जिससे कि कचौड़ी अच्छे से फूले, खस्ता बने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ यह अच्छे से हमने रिफाइंड मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को लगा लेंगे। इस तरह से आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो ये हमारी अच्छे से मैदा लग चुकी है कचौड़ियों की। अब इसमें हल्का सा रिफाइंड और डालेंगे जिससे कि ये अच्छा सा हो जाए और इसमें पपड़ी ना जमे और कचौड़ी हमारी अच्छी बने। तो यहाँ हम रिफाइंड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैदा को थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे जिससे कि अच्छे से फूल जाए और इससे कचौड़ियाँ अच्छी बने। तो ये हमने कचौड़ियों का आटा लगा लिया, इसको रखते हैं हम रेस्ट पर। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कचौड़ियों का आटा कितना सॉफ्ट लगाया, आप देख सकते हैं इसकी लोई कितनी अच्छी बन रही है। और इस तरह से लोई कर ले कचौड़ियों की। और कचौड़ियों को इस तरह से भरें, इस तरह से प्रेस करें और इस तरह से लोई बनाते हैं आटे की, इस तरह से बनाएं। अब इसमें फिलिंग करें। और इस तरह से प्रेस करते हुए कचौड़ियों को बंद कर दें। इस तरह से ऊपर की साइड लेकर और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। ये कचौड़ी अब हम बेल सकते हैं। इसी तरह से हम सारी लोइयों को भरकर तैयार कर लेंगे। और अगर आप इस तरह से कचौड़ियों को भरेंगे तो आपकी कचौड़ी किसी भी कीमत पर फटेगी नहीं। आप इस तरह से लंबा करके ज़रूर फोल्ड करें, अगर आप छोटा सा फोल्ड करेंगे तो वो फट जाती है। तो इस तरह से प्रेस करते हुए ऊपर की साइड किनोर लेनी है ये, और फिर उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है। अब आपकी कचौड़ी फटेगी नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये हमने कचौड़ियाँ सारी भरकर तैयार कर ली है। अब इसको बेलकर दिखाते हैं। जब भी आप कचौड़ियों को बेलें तो इस तरह से प्रेस करते हुए और बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है आपको, इस तरह से, जिससे आपकी कचौड़ियाँ फटेंगी नहीं। तो ये हमारी कचौड़ियाँ बेल गई है। अब इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को बेल लेंगे। तो ये हमारी कचौड़ियाँ बेल चुकी है। अब हम इसे, ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, इसमें एक एक करके सारी कचौड़ियाँ सेकने के लिए डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कचौड़ियाँ सिक रही है और एक भी फटी नहीं है। सबसे मेन चीज जो मोस्टली लोगों की कचौड़ियाँ फट जाती हैं, आप देख सकते हैं इसमें बबूल्स भी कितने अच्छे आए हैं। बिल्कुल मार्केट जैसी कचौड़ियाँ बनी है ना, आपके मुंह में भी देखकर पानी आ रहा होगा, ऐसी मेरे आ रहा है देखकर। और ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी बनी है और देखिए पुलाव कितना अच्छा है कचौड़ियों का। मोस्टली लोगों को उड़द की दाल की कचौड़ियाँ बनाने में हाथ कच्चा होता है। आप देख सकते हैं उड़द की दाल की कचौड़ियाँ कितनी फूली फूली, कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल बाजार को भी फेल कर रही है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ब्राउन कलर की सेकनी है, ब्राउन कलर की सेकने के बाद इसको खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। ये हमारी कचौड़ियाँ सिक चुकी हैं। अब इनको थोड़ा निचोड़ कर अच्छे से निकाल लेते हैं। आप कचौड़ियों को देख के कह सकते हैं कि ये बाजार की कचौड़ियाँ नहीं है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको हमारी एक एक छोटी छोटी ट्रिक देखनी पड़ेगी कि किस तरह से हमने कचौड़ियाँ बनाई हैं। तो लीजिए कचौड़ी तैयार है। तो देखिए है ना खस्ता कचौड़ी चुटकियों में बनाने का काम, और मैंने गारंटी ली थी कि एक भी कचौड़ी फटेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरी एक भी कचौड़ी फटी नहीं है, और जो मैंने फोल्ड की थी वो भी आप देख सकते हैं, वो भी इसमें शेप आ रही है फोल्ड जो की थी, और देखो फटी नहीं है चीज है। स्माइल लग रहा है लेकिन फटी नहीं है। तो आप भी हमारी ये रेसिपी फॉलो करें और छोटी छोटी ट्रिक्स जरूर अपनाएं जिससे कि आपकी कचौड़ियां भी इतनी बढ़िया और खस्ता बन सके।